और ये है बालों की असली खुराक। यार पीछे होके बैठो ना जरा, ऐसे शाबाश। मेरे अब्बा भी मुझे यही तेल लगाया करते थे। लेकिन दादा, डैडी तो तेल नहीं लगाते। इसीलिए तो गंजा हो रहा है। एक कतरा पानी नहीं आ रहा घर में। क्या फर्क पड़ता है एक दिन नहीं नहाओगी तो? ठीक है, लेके आता हूँ प्लम्बर को। ये पाइप प्लम्बर से ठीक होने वाले नहीं है, इनको बदलने का टाइम आ गया। ठीक होने वाले नहीं है, बदलने का टाइम आ गया है। और मेरे अब्बा ने इस घर की एक एक ईंट जो है ना, वो अपने हाथों से लगाई है। और तुम लोगों को तो कदर ही नहीं है, ना कदरे हो तुम लोग। बस बस, जब भी आता है आप शुरू ही हो जाते हैं। मैं शुरू हुआ हूँ? अच्छा अम्मी, चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। शाम को मैं और आप ही आ जाएंगे इसको लेने। खुदा हाफिज। अच्छा ध्यान से जाना। जी जी। क्यों, फिर मजा आ रहा है? ओ यार मैं कर लेता हूँ। सबर सबर हो गया, जमात खड़ी हो जाएगी। चलो अब आप घर पर ही पढ़ लें। हाँ घर पर ही पढ़नी पड़ेगी। यहाँ खेले, यहाँ तो जगह ही नहीं है। एक काम करते हैं, बाहर गली में खेलते हैं। अली कहाँ है? गली में खेल रहा था अहमद के साथ। मैं सारा देख कर आई हूँ, वो कहीं नहीं है। आप जाइए देखिए, आपको तो पता है हालात कैसे हैं। जल्दी जाइए। क्या हुआ इसे? मैं सड़क पे खेल रहा था, बाइक वाला मार के गया। क्यों खेल रहा था सड़क पे? और कहाँ खेले अब्बा? आइए अंदर चलें तो दवाई लगाते हैं। हटे। कैसा है अब अली? दवाई लगा दी है, सो गया। बस मैं दो मिनट के लिए घर के अंदर आया और वो कमबख्त चौकीदार पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छी तरह से खबर ली है मैंने उसकी। किस किस की खबर लेंगे आप? कितने सालों से ऐसे ही चल रहे, कभी पानी के पाइप खराब हैं तो कभी गैस लीक। ना आपको कोई आराम है ना अम्मी को, ये क्या जिंदगी चल रही है? पाइप तो ठीक करवा दिया है ना मैंने, लेकिन ये घर ठीक नहीं है। फिर वही बहस। तो आप मान क्यों नहीं जाते? एक बार चले हमारे साथ, आकर देख तो ले वो सोसाइटी। तुम्हें इस घर की अहमियत का अंदाजा नहीं है। घर वालों की भी तो कोई अहमियत होती होगी। मैंने कह दिया ना कि मैं ये घर नहीं छोड़ूंगा, ये खानदानी घर है मेरा। चलो घर खानदान से ही बनता है अब्बा।